हेलो लर्नर्स द रेडिएशन नेशन में आपका फिर से स्वागत है वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मैं आशा करता हूँ कि आज आप कुछ नया जरूर सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा एक्सरे ट्यूब का जो कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज होती है डायग्नोस्टिक पर्पज फॉर एग्जाम्पल सिटी स्कैन या नॉर्मल एक्सरे या मेमोग्राफी स्कैंस इन जगहों पर यूज होने वाली ट्यूब को डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब बोलते हैं तो एक टिपिकली स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है एक्सरे ट्यूब के स्ट्रक्चर में हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स हैं एनोड, कैथोड ग्लास एनक्लोजर एंड एन ट्यूब हाउसिंग एक स्टेशनरी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर ये रहा एनोड इसका स्टेशनरी एनोड है थोड़ा सा टिल्टेड होता है इसको हम एनोड बोलते हैं एनोड पर ही टारगेट मटेरियल होता है यहां दूसरी तरफ हमारे पास सामने फिलामेंट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करती है और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओके तो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास इवैक्यूएटेड एनवलप या ग्लास एनवलप होता है चौथा कंपोनेंट जो इस पूरे को कवर करता है या जिसे हम ट्यूब हाउसिंग भी बोलते हैं एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का डायग्राम है जिसके अंदर एक रोटेटिंग एनोड एक कैथोड उसका ग्लास एनक्लोजर और ऊपर से ट्यूब हाउसिंग दे रखी है ठीक है जैसे कि मैंने बताया था चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं अब हम बात करते हैं कैथोड जिसे हम फिलामेंट भी बोलते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल होता है एक एक्सरे ट्यूब में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल वो इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है उसको थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं थर्मियोनिक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है थर्मल प्लस आयन तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी जब आयंस का एमिशन होता है तो उस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं किसकी वजह से हीट थर्मल थर्मल यानी हीट तो हीट की वजह से मतलब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा गर्म कर रहे हो कि उसके जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री हो गए ये एक एटम है इसके वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये अभी जो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल स्टेट में न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं बट आपने इसको हीट एनर्जी दी टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया हीट बढ़ाई इसकी हीट एनर्जी दी तो इससे क्या होता है ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की ग्रेस्प्स या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर से अट्रैक्शिक अट्रैक्टिव फोर्स से फ्री हो जाते हैं एक बार ये फ्री हो गए फिर हम इनको कैसे भी करके कहीं भी निकाल सकते हैं भगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं बाय हीट उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन अब कैथोड बनी किससे होती है हम यूजुअली अब थर्मियोनिक एमिशन के लिए 2200 तुन्ट डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर तो हमें अगर कोई भी हम और मेटल लेंगे फॉर एग्जांपल आयरन लिया इवन कॉपर भी लिया तो वो भी पंद्रह सौ से पहले पहले ही वो मेल्ट हो जाते हैं तो अगर मेल्ट हो गए तो हमारी ट्यूब की इंटीग्रिटी ख़त्म हो जाएगी है ना तो इसीलिए हम टंगस्टन मेटल का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ही थ्री थ्री सेवन जीरो डिग्री सेल्सियस है तैंतीस सौ सत्तर डिग्री इस टेम्परेचर को याद कर लो कई जगहों पर पूछा जाता है ये तो थ्री थ्री सेवन जीरो डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन ओके चौथा पॉइंट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम ए ऑर ट्यूब करंट ट्यूब करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये ठीक है फोकसिंग कप मेड ऑफ निकल सराउंड द कैथोड एंड हेल्प फोकसिंग द करेंट अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे बहुत सारे ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं और आपको पता है कि सेम चार्ज रिपल करता है एक दूसरे को रिपल्जन होगा बहुत ज्यादा तो क्या होता है ये जो बीम है ये ऐसे आगे आते आते डाइवर्ज होती चली जाती है तो इसी डायवर्जेंस को रोकने के लिए हम एक नेगेटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज रिंग लाइक स्ट्रक्चर को प्लेस करते हैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है ये ये अपने आप में और नेगेटिव होता है तो जब हम इसे प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिपल्जन मिलता है इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिपल्जन मिलता है तो ये बीम को वापस से सीधा कर देते हैं या कन्वर्ज कर देते हैं ठीक है थेके? अब भाई ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्यों जरूरी है जाहिर सी बात है अगर ये फैल जाएगी हमारी एनोड इतनी छोटी सी ये है या हमारा टारगेट जो है इतना छोटा सा छोटा सा है तो अगर ये फैल जाएगी तो एक किसी को भी जाकर टकरा सकती है किसी को भी जाकर टकराएगी तो ये उन जगहों से भी एक्सरे प्रोडक्शन करवाएगी जो कि डिज़ायर्ड नहीं है ठीक है आगे चलकर आप बैक स्कैटर रेडिएशन के बारे में भी पढ़े, पढ़ेंगे तो बैक स्कैटर रेडिएशन तब होती है जब अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड प्लेसेस से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है ठीक है तो अगर बीम फोकस नहीं होगी तो वो बैक स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी इस वजह से हमें इसको फोकस करना जरूरी है और दूसरी तरह दूसरी चीज कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो हम चाहेंगे ना जो हम काम करवाना चाहते हैं उसी में लगे हुए एनर्जी तो बस इसीलिए हम इसे फोकस करते हैं फोकसिंग कप यूज होता है और वो किसका बना होता है निकल का नेक्स्ट आता है हमारी एनोड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पार्ट होता है किसी भी ट्यूब का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है कैथोड कैथोड वाज़ नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल सर्व्स एज अ टारगेट और माइट कंटेन द टारगेट का जो मॉडर्न ट्यूब्स आती हैं उसके अंदर पूरी एनोड अलग मटेरियल की होती है और एक उससे उस पूरी एनोड में एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट होता है छोटा सा रीजन होता है उस जिसको हम टारगेट बोलते हैं वो किसी और मटेरियल का भी हो सकता है इसी वजह से इसमें लिखा है और माइट कंटेन द टारगेट या तो पूरी एनोड भी एज अ टारगेट सर्व कर सकती है जो पहले की ट्यूज़ में होता था पूरी एनोडी अब की ट्यूज़ में क्या होता है हम जो एनोड का पूरी एनोड का मटीरियल लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं एक स्टेशनरी एनोड बनाऊँ एक स्टेशनरी एनोड है और इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा ये टारगेट होगा सेम चीज़ अगर मैं एक रोटेटरी एनोड बनाऊँ मैं यहाँ पर उसका फ्रंट स्ट्रक्चर बनाता हूँ ये उसका फ्रंट स्ट्रक्चर है जब आप सामने से देखोगे एक रोटेटरी एनोड को इमेजिन करो एक थाली की तरह थाली में भी बिवल, बिवल्ड एजेस होते हैं मतलब मुड़े हुए साइडों से मुड़े हुए ये भी सामने से हैं अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है एनोड ठीक है तो इसके ऊपर छोटी सी एक स्ट्रिप होती है बहुत पतली सी वो सर्व करती है एज ए टारगेट इसका क्या ये क्यों होता है इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा तो तब तक के लिए स्टेट्यूड अभी आप बस ये समझ लीजिए कि एनोड है रोटेटरी एनोड और स्टेशनरी एनोड तो ये या तो टारगेट हो सकती है या फिर इसमें टारगेट हो सकता है ठीक है अब इसका काम क्या होता है इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से छूटे थे वो आते हैं एनोड पर बॉम्बार्डे होते होते हैं अब भई ये आ रहे हैं चल कर आ रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ठीक है अब ये यहाँ पर आए टकराए तो ये एनर्जी कहाँ गई कहीं तो जाएगी ये टकराए यहाँ पर ये टकराए रुक गए या कहीं और चले गए कुछ भी होया इनकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा या ये हो सकता है रुक गए हों तो एनर्जी कहीं गायब तो नहीं हो जाएगी तो वही एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक्स रेज में ठीक है मोस्ट यानी ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट जो आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को उसमें से नाइन्टी नाइन परसेंट इज डिसिपेटेड एज हीट वन परसेंट या उससे भी कम एनर्जी होती है जो कि एक्चुअली एक्सरेज में कन्वर्ट होती है आप खुद ही सोच ले, सोच लीजिए आपकी एक्सेट्यूब की एफिशिएंसी कितनी खराब है। ओके नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो एनोड है वो हमेशा ऐसे मेटल्स की बनती है जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है इसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी अब इसका मैं अगर रीजन दू प्रॉपर तो आप खुद ही सोचिए ये एक एटम बनाता हूँ मैं इसमें अभी चार इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए ठीक है खाली है बिल्कुल कमरा एक दूसरा आइटम बनाता हूँ जिसके अंदर दस हैं अब इस आइटम में दस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस आइटम में केवल और केवल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कमरा ज़्यादा खाली है है ना तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये बिना किसी से भी इंटरेक्ट करे या बिना किसी बिना किसी इलेक्ट्रॉन को टच करे ये आर पार निकल जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी है काफी ये जाएगा और इधर से ये आर पार निकल जाएगा ठीक है इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफी कम है है ना अब वही बात करते हैं हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जब वो एक ऐसे एटम के पास आएगा जिसके पास जिसका जेड काफी हाई है जिसके पास अगर जेड हाई है तो जाहिर सी बात है उसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा है मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है तो जेड हाई है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उसके पास हाई है अब जब ये आएगा तो यहाँ पर रूम भैया पहले से ही भरा हुआ है अगर मैं इसका एक एनालॉजी लूँ एक सुनसान रास्ता है जिस पर केवल दो या तीन लोग चल रहे हैं ठीक है ठीके? और आप भागते हुए जा रहे हो इस रास्ते से दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जिस पर बहुत सारे लोग हैं बहुत भीड़ का है एकदम और आप उस रोड से भागते हुए जा रहे हो अब मुझे ये बताइए कि कौन सा वो ऐसा रोड है जिस पर आपके किसी और से टकराने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है ए पर क्योंकि भीड़ भड़क ज़्यादा है सेम चीज़ होती है यहाँ पर जब जेड हाई है जेड यानी एटॉमिक नंबर Z यानी एटॉमिक नंबर जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब भीड़ ज़्यादा है तो जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इससे पास कर रहा होगा इसके पास आ रहा होगा तो इसके पास इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा एक्सरे की प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी अब भाई ये इलेक्ट्रॉन आएगा ये से टकरा भी सकता है या हो सकता है ये भी नेगेटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन आकर ऐसे चला जाए या हो सकता है ये इधर चला जाए उधर चला जाए या हो सकता है ये इससे जाकर ही टकरा जाए कुछ भी हो सकता है तो बेसिकली मेरा बताने का ये मतलब था कि इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा ठीक है तो इसीलिए हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी हाई हो फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बाकी एज़ पर आवर नीड हम डिपेंड करता है कि हम क्या लें आजकल जी की जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स हैं उनके अंदर यूजुअली टारगेट मटेरियल के लिए एक एलॉय यूज़ होता है जो कि टंगस्टन रीनियम एलॉय होता है मोलिडनिम यूज़ होता है फॉर मेमोग्राफी परपज कॉपर भी हम यूज़ करते हैं वो हम एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए या किसी और फिजिकल फिनोमिना के लिए जो जिसको अलग तरह की रेडिएशन चाहिए उसके लिए यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक परपजेज के लिए यूजअली टंगस्टन टंगस्टन रीनियम और मोलिडेनियम का यूज़ होता है नेक्स्ट है एनोड्स अब दो टाइप की हमारे पास एनोड होती हैं जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था एक स्टेशनरी एनोड और एक रोटेटरी एनोड स्टेशनरी एनोड का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है रोटेटरी एनोड का भी बता दिया है ये है स्टेशनरी एनोड इसके अंदर ये वाला हिस्सा कैथोड का है ये है इसका एनोड ठीक है ये पूरी ये ये वाली असेंबली पूरी एनोड की है इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है ये टारगेट ये पूरा कॉपर का बना है और इसमें छोटा साइज सही टंगस्टन ने टारगेट कर दूसरी तरफ ये रोटेटरी रो, एनोड है, है मैंने आपको बताया था एक प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो उस वाली प्लेट को इमेजिन करोगे तो इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे तो इसी तरीके की होती है इसके जो एजेस होते हैं वो बेंट होते हैं ये यह देखो यहाँ पर ये यह आ रही है और फिर ये तरफ बेंड हो गई हो गई तो इसमें एजेस जो होते हैं वो बेंड होते हैं इसको हम बोलते हैं बिवेल्ड एजेस एजिज ये शब्द सुनकर मैं भी पहली बार बहुत हैरान हुआ था बट ठीक है अब बेवेल्ड एजेस। ओके नेक्स्ट आता है हमारा ग्लास एनक्लोजर ग्लास एनक्लोजर वो जो कि पूरी एक्सरे ट्यूब असेंबली को एनक्लोज करके रखेगा मतलब ये रही हमारी एनोड ये हमारी कैथोड अब इसको ये अपने अंदर बंद करके रखेगा इस इसका काम क्या होता है एक वैक्यूम मेंटेन करके रखना इन दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड को हम वैक्यूम के अंदर रखते हैं ओके okay, अब बात करते हैं हम ग्लास एनक्लोजर की जो हमारी दोनों इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो एक ग्लास के अंदर एनक्लोज होती हैं और उस ग्लास का काम होता है वैक्यूम मेंटेन करके रखना वैक्यूम क्यों भाई वैक्यूम की क्या ज़रूरत है वैक्यूम का मतलब होता है एम टी एम टी खाली अंदर कुछ नहीं है अब ऐसा क्यों करते हैं कि अंदर हम कुछ नहीं रखते बता सोचो 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 क्यों करते हैं फिर से मैं 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 उसी रोड वाले की रोड वाली एनालॉजी लेता हूँ ये रोड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं भीड़ भड़क हो रखा है एकदम और आप भागते हुए आ रहे हो एकदम पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाँ बिल्कुल उसैन बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है सब कुछ एकदम फ्लैश बन गए हो और स्पीड से भागते हुए आ रहे हो अब यहाँ पर जब ज़्यादा लोग हैं तो क्या होगा आप पहले इधर टकराओगे फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर आप हर तरफ़ टकराते रहोगे और हो सकता है आपकी ये स्पीड पचास की से दस रह जाए और इवन जीरो भी हो जाए है ना तो आप बेसिकली काइनेटिक एनर्जी लूज करोगे बट भाई सर ने तो बताया था कि हम जब एनोड पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तब भी वो काइनेटिक एनर्जी लूज़ करता है होता है ना तो अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है हैं? इस वाले सिनेरियो और इस वाले सिनेरियो में क्या डिफरेंस है हमें यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही है हमारे यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है तो भैया जी ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस था यह अनवांटेड है हम ये नहीं चाहते कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस जगह पर अपनी एनर्जी लॉस करे एनर्जी लॉस करेगा तो एक्सरे बनाएगा एनर्जी लॉस करेगा तो एक्सरेस बनाएगा और वो अनडिजायर्ड होंगी क्यों क्यों क्योंकि वो उतनी एनर्जी की नहीं होंगी अनडिजायर्ड आर ई डी एनर्जी ठीक है और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा टंगस्टन से टकरा कर तो वो जो एनर्जी तो जो वो जो एक्स रेज बनाएगा वो हमारी डिजायर्ड एनर्जी की होगी इस वजह से हमें वैक्यूम मेंटेन करना जरूरी है ठीक है अब नेक्स्ट चीज़ आती है कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन अब देखिए जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन एनोड से टकराता है तो वो हीट होता है एनोड हीट होती है एनोड हीट होगी तो उसके आसपास का पूरा ये वातावरण हीट होगा ये पूरा वातावरण हीट होगा जब वो सब कुछ हीट होगा तो हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ हीट होने पर एक्सपेंड करती है फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है है ना तो अब खुद ही सोचिए मेरे पास यहाँ पर ये एनोड है एक कैथोड है और ये उसकी ग्लास कवरिंग है ये तो भैया एक घंटे में एक मीटर एक्सपेंड हो गई ये भी एक घंटे में अराउंड ज़ीरो पॉइंट नाइन मीटर एक्सपेंड हो गई मान कर चलते हैं बट ग्लास तो अलग है ये दोनों ये भी मेटल है और ये भी मेटल है तो इन ये दोनों तो एक तरीके से सेम रेट पर ही एक्सपेंड होंगे ना बट जहाँ तक बात रही ग्लास की ग्लास का एक्सपेंशन रेट तो अलग होगा तो इसीलिए हम एक ऐसा ग्लास चुनते हैं जिसका कोफ़िशियंट ऑफ एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन रेट बराबर हो दैट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स यूज इन द अपैरेटस जो भी हम पैरटस के अंदर वायर्स यूज कर रहे हैं जो भी कुछ भी यूज कर रहे हैं उसका कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन मेटल्स के बराबर हो और इसके लिए हम कौन सा ग्लास यूज करते हैं पायरेक्स ग्लास ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है तो अब बात करते हैं ट्यूब हाउसिंग की एज द नेम सजेस्ट ये हमारे एक्सरे कंपोनेंट्स जो एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल एनोड कैथोड और बाकी की जितनी भी वायरिंग्स वगैरह हैं, फायर एक्स क्लास यहां से वायर्स निकल रही हैं यहां से कनेक्टेड वायर्स हैं तो ये इन सब को हाउस करती है और इसके अंदर एक जगह पर विंडो होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जिट विंडोज डिजायर्ड एक्सरेस वहीं से निकलती है एग्जिट विंडोज ऐसा क्यों और कहीं से क्यों नहीं निकलती देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं एनोड तो कैथोड से और फिर वो जाकर एनोड के टारगेट को हिट करते हैं जब वो हिट करते हैं तो रेज हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है इस तरफ भी होगी परपेंडिकुलर भी होगी भी होगी तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन बट हमारा टारगेट हमारा जो पेशेंट है या हमारी जो फिल्म है वो तो किसी भी एक ही जगह लाई कर सकती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सरे फिल्म है या पेशेंट है वो यहाँ पर रखी हुई है तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो एक्सरेज हैं वो यहां एनोड से निकलकर केवल इसी डायरेक्शन में आए है ना बट प्रोड्यूस में हो रही है ट्यूब हाउसिंग जैसे कि बारिश तूफान आंधी इन सबसे आपका घर आपको प्रोटेक्ट करके रखता है उसी तरीके से अंदर की जो एक्सेस रेडिएशन है जो हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है उससे बाहर के पेशेंट को बाहर की फिल्म को बाहर वर्किंग जो स्टाफ है रेडिएशन स्टाफ उसको प्रोटेक्ट करके रखती है इसको हम बोलते हैं लीकेज रेडिएशन जब ट्यूब हाउसिंग में कोई क्रैक डेवलप हो जाता है कोई होल डेवलप हो जाता है या किसी भी और टाइप की का मेल फंक्शन होता है तो उस टाइम पर यह रेडिएशन बाहर आती है अनडिजायर्ड रस्तों से जो हम चाहते नहीं है उन जगहों से यह बाहर आती है तब तो हम इसे बोलते हैं लीकेज रेडिएशन अब ये हमारे लिए हार्मफुल है क्यों क्योंकि ये टाइप है स्कैटर रेडिएशन का भाई स्कैटर क्या होती है आपको आप पता ही होगा ये कि स्कैटर रेडिएशन क्या होती है अब खुद ही सोचिए एक एक्सरे रूम के अंदर कौन कौन होता है पेशेंट होता है फिल्म होती है है ना पेशेंट का कोई अटेंडी ही हो सकता है वैसे तो नहीं होना चाहिए बट ये फिल्म को एक्सपोज करेगी फिल्म को एक्सपोज करेगी तो ये फॉग बनाएगी पेशेंट को एक्सपोज करेगी ये मैं बीच में एक प्यारा सा पेशेंट बना देता हूं हमारा पेशेंट बीमार है इस वजह से इतना पतला है बट थोड़ा खुश है तो जब ये लीकेज रेडिएशन फिल्म को हिट करेगी तो फॉग बनाएगी जब पेशेंट को हिट करेगी तो ये पेशेंट डोज बढ़ाएगी पेशेंट डोज इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो मतलब ये चीज गल... खतरनाक है ना तो गलत है इवन ये हमारे लिए भी हार्मफुल होती है भले ही हम प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे होते हैं बट स्टिल ये हमारे हार्मफुल होती है स्कैटर रेडिएशन इज हार्मफुल अब इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अनवांटेड एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये जो ट्यूब हाउसिंग होती है ये जो ट्यूब का घर होता है इसको लेड से कवर करते हैं ठीक है विच सर्व्स टू एब्सोर्व प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सरेज प्राइमरी एक्सरेज वो जो विंडो से एग्जिट कर रही है अब इस विंडो से एग्जिट करने वाली भी ये इस डायरेक्शन में भी होगी ये इस डायरेक्शन में भी होगी लेकिन एग्जिट केवल वही करेगी जो कि इस विंडो से परपेंडिकुलर होगी आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई बीम सरफेस या फिल्म से या पेशेंट से परपेंडिकुलर नहीं होती है तो इट कैन कॉज डिस्टॉर्शन इसी वजह से केवल जो परपेंडिकुलर बीम्स हैं वो अलाउड होती हैं एग्जिट करना वी ट्राई ट्राई एक्चुअली हम करते हैं कि जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा परपेंडिकुलर हो बट क्योंकि एक्सरे का नेचर ही डाइवर्जेंट है तो वो इवेंचुअली डाइवर्ज होकर एक ब्रॉड एक्सरे बीम बना लेती है यहां से निकलने के बाद भी वो काफी बड़ी एक्सरे बीम बना लेती है काफी बड़ी ये मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दी है इतनी नहीं होती बट रिलेटिवली जिस सा, जिस साइज के रिलेटिवलींडो से वो निकली है उस साइज के कंपैरिजन में जो एक्सरे

और शेयर करना ना भूलें जिससे आपके दोस्तों को भी कुछ नया सीखने को मिले और उनके भी डाउट्स क्लियर हो